Assalamu alaikum everyone. Sadia Gondal here once again from the platform of Javed Publishers. Today we will be continuing with Kids English Grade 5, chapter number 10. The topic of this chapter is Cleanliness is Half of the Faith. Today we will be doing page number 69. So let's start. Page number 69 pe, now we will be doing bar graph. Now this is one kind of graph in which you see columns. अगर आप ये देखें पिक्चर में तो आपको कॉलम्स नज़र आएंगे और उसमें आपको नीचे एक्स एक्सिस नज़र आ रहा है, जो वर्टिकल लाइन है ये आपको वाई एक्सिस पे नज़र आ रहा है। अगर आपको ये बताने में बच्चों को मुश्किल होती है तो आप सिर्फ बच्चों को ये बता दें कि बार ग्राफ में हम दो चीज़ें लेकर उनकी वैल्यू उस ग्राफ के ऊपर प्लेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बार ग्राफ में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट हेल्दी फूड हैबिट्स एंड bad food, that is junk food eating habits in the age group of 7 to 9, 10 to 12, 13 to 15 and 16 to 18 students. अब यहाँ पे आप देखिए, आपके पास एज ग्रुप, आपके पास एक सेक्शन है और हेल्दी फूड और जंक फूड आपके पास दो एरियाज हैं जिनको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। अगर आप यहाँ पे इस ग्राफ को देखें तो आपके पास जो एज है वो एक्स एक्सिस पे आ रही है, दैट इज नीचे, और आपके पास जो हेल्दी फूड और जंक फूड की इन्फॉर्मेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है वाई एक्सिस में ऑन योर लेफ्ट साइड। चलिए इसके अब यहाँ पे देखते हैं। एज ग्रुप में आपके पास जो 7 to 9 इयर्स ओल्ड के स्टूडेंट्स हैं दे ईट हेल्दी फूड और उसका नंबर है 200 स्टूडेंट्स ईट हेल्दी फूड और जंक फूड 150 पीपल ईट जंक फूड। 10 to 12 जो आपका एज ग्रुप है उसमें 150 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट हेल्दी फूड एंड 250 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट जंक फूड। एज बिटवीन 13 to 15 हैज़ मोर, यू माइट से हैज़ मोर लाइकिंग टुवर्ड्स हेल्दी फूड, इसमें आपके पास 250 नंबर है, और जंक फूड इसमें 350 पीपल लाइक टू ईट जंक फूड। एंड एजेड बिटवीन 16 to 18 उसमें आपके पास 400 पीपल हैं हु लाइक टू ईट हेल्दी फूड एंड जंक फूड 450 पीपल लाइक टू ईट जंक फूड। चलिए अब इस पूरे डेटा को, इस पूरी वैल्यूज को हम इस ग्राफ पे अप्लाई करते हैं। आपके पास इस ग्राफ में ब्लू कलर में जंक फूड आ रहा है और रेड कलर में आपके पास हेल्थी फूड आ रहा है। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच एज ग्रुप यूजेस मोर हेल्थी फूड। इसमें आप सबसे पहले अपने कॉलम पे जाइए, आप देखिए आपके पास 7 टू 9, 10 टू 12, 13 टू 15, 16 टू 18 एज ग्रुप है। अब हम इसके साथ देखते हैं कि कौन सा वाला एज ग्रुप ज़्यादा हेल्दी फूड ले रहा है। तो हमारे पास आ रहा है एज 16 टू 18 जो कि ज़्यादा हेल्दी फूड ले रहा है, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए उनका नंबर है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप यूजेज मोर जंक फूड। तो चलिए जंक फूड के कॉलम में चलते हैं और सबसे ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं 450 पीपल, और ये इसके साथ ही जब हम चलते हैं इनका एज ग्रुप देखते हैं तो वो भी है 16 to 18। सो इंटरेस्टिंगली ये एक ऐसा एज ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा जंक फूड भी ले रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्थी फूड भी ले रहा है। द लास्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप यूजेज लेस जंक फूड। तो उसमें आपका एज ग्रुप आ रहा है 7 to 9, और इसकी रीज़न ये हो सकती है बिकॉज 7 to 9 आर वेरी यंग स्टूडेंट्स या वेरी यंग किड्स और इनके पेरेंट्स उसको बार बार सुपरवाइज करते हैं, उन्हें डांटते रहते हैं कि आपने जंक फूड नहीं खाना है। तो शायद ये एक रीज़न हो सकती है कि 7 to 9 का एज ग्रुप कम जंक फूड लेता है। लेट्स डू द स्पीकिंग स्किल्स ऑन द सेम पेज, और आज हम डायलॉग करेंगे अबाउट एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग पोलाइटली। Umar says, Assalamu alaikum Ehsan, what are you eating? Ehsan says, Wa alaikum assalam, I'm eating a burger. Do you know that nowadays junk food is more popular than healthy food? Umar says, no, you're wrong. It seems to be popular, but all wise people prefer healthy food. Mother, yes, Umar is right. Junk food is not good for health. We should eat healthy food, which gives proteins and vitamins to our bodies. Ehsan says, I never thought about it. You are right. I will also eat healthy food from now. Dear teachers, यहाँ पे आप students को ये ज़रूर बताइए कि जब आप किसी से agree करते हैं या disagree करते हैं तो politely का यहाँ पे मतलब ये है कि आप उनको reasons देते हैं, proper reasons। जैसे यहाँ पे आप देखिए, mother said that healthy food gives us proteins and vitamins. Now this is a very good reason for saying that healthy food is good for health.
So when you disagree with somebody politely, you give them good reasons for that. And in the next question, you have been asked to role play the dialogue about healthy food by using polite expressions in front of the class. On page number 70, we will be doing language focus, in which we will be talking about analogies. What are analogies? Analogies is a process. It's a kind of a term in which we compare two things together. Now, this comparison can be about their sizes, about their shapes, about their colors, about their relationship. For example, mother, father. Ye same relationship hai parents ki. So analogies mein aap comparison show karte hain. Now let's apply this knowledge of comparison to the answers. Aapke paas examples mein dekhiye, aapke paas example hai. Moon, night. Sun, day. Ab ye analogy padhke hame kya pata chalta hai? Moon comes out at night. Aur saath hi aapke paas diya gaya hai sun, day. To sun ke saath day hi suit karega. सन के साथ लाइट नहीं आएगा, सन के साथ डे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि व्हेन डू दे कम आउट. मून कम्स एट नाइट एंड सन कम्स आउट एट डे. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. रेडियो इज़ टू लिसन, टेलीविजन इज़ टू, आपको बताया जा रहा है कि रेडियो का पर्पज़ है टू लिसन. तो टेलीविजन का पर्पज़ क्या होगा? आपके पास जो ऑप्शन हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन है वॉच. बी इज़ जॉय इज़ टू हैप्पी. So sad is to, अब joy की जो feeling है वो किससे associated है? Happy होने से. तो sad की feeling किससे associated होगी? आपके पास जो options हैं उनमें option आएगी unhappy. C is calculator, is to computation. So camera is to photograph. Calculator पे आप calculations करते हैं, computation करते हैं, और camera से आप pictures लेते हैं, so it would be photograph. D is happy, is to sad. अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है opposites की बात हो रही है. So light is to, अब आपने options में से opposite ढूंढना है. तो आपके पास option में आपको नजर आ रहा है very clearly dark. E is doctor is to patient. यहाँ पे again आप ये देख रहे हैं कि what does a doctor do? What is his task? तो doctor's task is to check the patient. टीचर्स टास्क वुड बी, अब आपके लिए ईजी हो गया है ऑप्शन में से, अब आप टीचर की टास्क निकालेंगे. टीचर्स टास्क इज टू टीच द स्टूडेंट. सो यहाँ पे आंसर होगा स्टूडेंट. अब आपने, आपका लास्ट क्वेश्चन है, पिक द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कम्प्लीट द सिमिलीज. फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट आर सिमिलीज? सिमिलीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंपेरिजन, बट यू यूज द वर्ड लाइक विद दैम. फॉर एग्जाम्पल, अहमद वॉज एज ब्रेव एज अ लायन. यहाँ पे अहमद को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? लायन से. सो व्हेन यू कंपेयर समबडी विद सम अदर थिंग, यू आर मेकिंग सिमिलीज. चलिए इनको फिल करते हैं. एज ब्रेव एज अ लायन, रन्स लाइक एन एलिगेटर, एज सॉफ्ट एज अ किटन, एज स्लाइमी एज अ वर्म. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ.